गिर जाओगे बच्चे हमारे। अच्छा उस फिगर को येलो में आउटलाइन कर दो। रिद्धिमा वो जो You come down now. अच्छा नहीं देखिए स्कूल्स में काफ़ी हद तक करिकुलम के बाहर बहुत कम एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं, और अगर बच्चों को ऐसा मौका दिया जाए जहाँ पे वो करिकुलम के बाहर आकर काम करें और अपने आप को एक्सप्रेस करें, अभिव्यक्त करें, तो उससे बेहतर क्या हो सकता है, क्योंकि इससे उनकी इमेजिनेशन बढ़ती है, इससे वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करना सीखते हैं, एक दूसरे से मिलजुल कर काम करने में उनको एक मौका मिलता है। क्योंकि ख़ासतौर से जब आप म्यूरल पेंटिंग की बात करें, एक बच्चा अपने आप एक छोटी सी पेंटिंग बनाए, जब म्यूरल पेंटिंग की बात आती है तो वो एक और चीज़ सीखते हैं, हाउ टू कोऑर्डिनेट विद ईच अदर। तो दिस आई थिंक इन वन सेंस वाज द रीज़न व्हाई ये हम लोगों ने प्रोग्राम किया यहाँ पे। कितनी संभावनाएं देखी हैं उनमें कि क्या ये कल के आने वाले बड़े कलाकार बन पाएंगे? ऐसे तो मेरे ख्याल से कोई भी नहीं चाहता कि बच्चा जाके बड़े आगे, नो इतना ज़्यादा सोचना आगे इस यू नो एट दिस लेवल आई थिंक इट्स एक्चुअली नॉट क्वाइट राइट एट ऑल। इस किस्म का प्रेशर तो बच्चों पे डालना ही नहीं चाहिए कि आगे जाके क्या वो प्रोफेशनल आर्टिस्ट बनेगा नहीं बनेगा। मेरे ख्याल से वो तो यू नो जब वो बड़े बनते हैं तब जाके उनको, जब तक उनको क्रिएटिविटी का क्रिएटिव काम करने का मौका मिलेगा तब तक वो करते रहेंगे। सो आई थिंक दैट्स द ओनली थिंग दैट रियली शुड बी गिवन दिस थिंग। उनके दिमाग में ये कीड़ा कभी भी नहीं डालना चाहिए कि वो जाके आगे बड़े आर्टिस्ट या बड़े कलाकार बनेंगे। आप जुड़ गए, वो क्या चीज़ किस चीज़ में प्रेरित किया कि आप इस प्रोग्राम से जुड़े? क्योंकि जब मैं छोटी थी तब मेरे जो पिताजी थे वो खूब पेंटिंग किया करते थे। उन्होंने कभी भी मुझे ये नहीं चाहा कि मैं जाके आगे प्रोफेशनल आर्टिस्ट बनूं, पर मैं बन गई। इसलिए बनी क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा इनक्रेज किया, मुझे काफ़ी रंग ला के दिया करते थे, हमें हमेशा यू नो पेंटिंग के ऐसे कोई इवेंट्स हो ऐसे वहाँ के वहाँ लेके जाया करते थे, खुद बहुत पेंटिंग किया करते थे हालाँकि वो एयरफोर्स में थे, तो हमें हमेशा ऐसा एक माहौल मिला। एंड आई थिंक दैट्स द रीज़न व्हाई आई एंडेड अप बिकमिंग अ प्रोफेशनल आर्टिस्ट। इन बच्चों के लिए टिप्स क्या देंगे? टिप्स मैं कभी भी किसी भी बच्चे को टिप देना नहीं चाहूँगी, क्योंकि मैं नहीं समझती कि उनको किसी भी तरीके से कभी भी कंट्रोल किया जाए या किसी की भी किस्म के बंधन में बांधा जाए।